सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते। कहानी डिपो में आपका स्वागत है। मैं हूं अकबर और कहानी का नाम है गुरु मंत्र। कहानीकार है प्रेमचंद। तो आइए शुरू करते हैं कहानी गुरु मंत्र। घर के कलह और निमंत्रणों के अभाव से पंडित चिंतामणि जी के चित्त में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने संन्यास ले लिया तो उनके परम मित्र पंडित मोटेराम शास्त्री जी ने उपदेश दिया। मित्र, हमारा अच्छे अच्छे साधु महात्माओं से सत्संग रहा है या जब किसी भले मानस के द्वार पर जाते हैं तो गिड़गिड़ाकर हाथ नहीं फैलाते और झूठ मूठ आशीर्वाद नहीं देने लगते कि नारायण तुम्हारा चोला मस्त रखे, तुम सदा सुखी रहो। यह तो भिखारियों का दस्तूर है। संत लोग द्वार पर जाते ही कड़क कर हाँक लगाते हैं जिससे घर के लोग चौंक पड़े और उत्सुक होकर द्वार की ओर दौड़ें। मुझे दो चार वाणियां मालूम हैं, जो चाहे ग्रहण कर लो। गुदड़ी बाबा कहा करते थे, मरे तो पांचों मरे, या ललकार सुनते ही लोग उनके पैरों पर गिर पड़ते थे। सिद्ध बाबा की हाथ बहुत उत्तम थी। खाओ पियो चैन करो पहनो गहना, खाओ पियो चैन करो पहनो गहना, पर बाबा जी के सोटे से डरते रहना, पर बाबा जी के सोटे से डरते रहना। नंगा बाबा कहा करते थे, दे तो दे, नहीं दिला दे खिला दे पिला दे सुला दे। ये समझ लो कि तुम्हारा आदर सत्कार बहुत कुछ तुम्हारी हाथ के ऊपर है। और क्या कहूँ, भूलना मत, हम और तुम बहुत दिनों साथ रहे, सैकड़ों भोज साथ खाए। जिस नेवते में हम और तुम दोनों पहुँचते थे तो लोग डांट से एक दो पत्तल और उड़ा ले जाते थे। तुम्हारे बिना अब मेरा रंग न जमेगा। ईश्वर तुम्हें सदा सुगंधित वस्तु दिखाए। चिंतामणि को इन वाणियों में से एक भी पसंद ना आई। बोले, मेरे लिए कोई और वाणी सोचो। मोटेराम ने कहा, अच्छा अच्छा, ये बताओ ये वाणी कैसी है कि न दोगे तो हम चढ़ बैठेंगे। चिंतामणि को थोड़ा अच्छा लगा। हाँ, यह मुझे पसंद है, तुम्हारी आज्ञा हो तो इसमें कुछ काट छाट करूं। मोटेराम ने कहा, हाँ हाँ करो करो। फिर चिंतामणि ने कहा, अच्छा तो इसे इस भांति रखें कि ना देगा तो हम चढ़ बैठेंगे। मोटेराम बिल्कुल उछल पड़े। नारायण जानता है यार, यह वाणी अपने रंग में निराली है। भक्ति ने तुम्हारी बुद्धि को चमका दिया है, भला एक बार ललकार कर कहो तो देखें कैसे कहते हो। चिंतामणि ने दोनों कान उंगलियों से बंद कर लिए और अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाकर बोले, ना देगा तो चर बैठूंगा। यह नाद ऐसा आकाश भेदी था कि मोटे राम भी सहसा चौंक पड़े। चमगादड़ घबराकर वृक्षों पर से उड़ गए, कुत्ते भूंकने लगे। मोटे राम का कलेजा कांप उठा। उसने कहा, मित्र तुम्हारी वाणी सुनकर मेरा तो कलेजा कांप उठा, ऐसी ललकार कहीं सुनने में ना आई। तुम तो सिंह की भांति गरजते हो। वाणी तो निश्चित हो गई, अब कुछ दूसरी बातें बताता हूं, कान देकर सुनो। साधुओं की भाषा हमारी बोलचाल से अलग होती है। हम किसी को आप करते हैं, किसी को तुम करते हैं। साधु लोग छोटे बड़े, अमीर गरीब, बूढ़े जवान, सबको तू कहकर पुकारते हैं। माई और बाबा का सदैव उचित व्यवहार करते रहना। यह भी याद रखो कि सादी हिंदी कभी मत बोलना, नहीं तो मरम खुल जाएगा। टेढ़ी हिंदी बोलना, यह कहना कि माई मुझको कुछ खिला दे, साधु जनों की भाषा में ठीक नहीं है। पक्का साधु इसी बात को यूं कहे, माई मेरे को भोजन करा दे, तेरे को बड़ा धर्म होगा। चिंतामणि ने कहा, मित्र हम तेरे को कहाँ तक जस गावें, तेरे ने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। यों उपदेश देकर मोटे राम विदा हुए।
चिंतामणि जी आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक गांजे भांग की दुकान के सामने कई जटाधारी महात्मा बैठे हुए हैं और गांजे में दम लगा रहे हैं। चिंतामणि को देखकर एक महात्मा ने अपनी जयकार सुनाई, चल चल जल्दी लेके चल, नहीं तो अभी करता हूँ बेकल। एक दूसरे साधु ने कड़क कर कहा, अरा रा रा धम, आए पहुंचे हम, अब क्या है गम। अभी यह कड़ाका आकाश में गूंज ही रहा था कि तीसरे महात्मा ने गरज कर अपनी वाणी सुनाई, देश बंगाला जिसको न देखा भाला, चटपट भर दे प्याला। चिंतामणि से अब न रहा गया, उन्होंने भी कड़क कर कहा, ना देगा तो चढ़ बैठूंगा। यह सुनते ही साधु जन ने चिंतामणि का सादर अभिवादन किया, तत्क्षण गांजे की चिलम भरी गई और उसे सुलगाने का भार पंडित जी पर पड़ा। बेचारे बड़े असमंजस में पड़े, सोचा अगर चिलम नहीं लेता तो अभी सारी कड़ाई खुल जाएगी। विवश होकर चिलम ले ली, किंतु जिसने कभी गांजा न पिया हो वह बहुत चेष्टा करने पर भी दम नहीं लगा सकता। उन्होंने आंखें बंद करके अपनी समझ में तो बड़े जोरों से दम लगाया, चिलम हाथ से छूटकर गिर पड़ी, आंखें निकल आई, मुंह से फिचकुर निकल आया, मगर ना तो मुंह से धुएं का बादल निकला न चिलम ही सुलगी। उनका यह कच्चापन उन्हें साधु समाज से च्युत करने के लिए काफी था। दो तीन साधु झल्ला कर आगे बढ़े और बड़ी निर्दयता से उनका हाथ पकड़कर उठा लिया। एक महात्मा ने कहा, तेरे को धिक्कार है। दूसरे महात्मा ने कहा, तेरे को लाज नहीं आती, साधु बना है मूर्ख। पंडित जी लज्जित होकर समीप के एक हलवाई की दुकान के सामने आ बैठे और साधु समाज ने खंजड़ी बजा बजा कर यह भजन गाना शुरू किया। माया है संसार संवलिया, माया है संसार, धर्म धर्म सभी कुछ मिथ्या, यही ज्ञान व्यवहार। माया है संसार संवलिया, माया है संसार, गांजे भंग को वर्जित करते, गांजे भंग को वर्जित करते है उन पर धिक्कार संवलिया। माया है संसार संवलिया, माया है संसार। तो ये थी कहानी गुरु मंत्र। कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया से जरूर नवाजें। धन्यवाद।